कांग्रेस को परेशानी इस बात को लेकर के है कि कांग्रेस के एक मामा है मिशेल क्रिश्चियन, ये देश के अंदर एक हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ है कांग्रेस की सरकार में, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, उसमें इन्होंने दलाली ली है और इस दृष्टि से वह इटली भाग गए थे क्योंकि कांग्रेस के लोगों का इटली से बहुत प्यार है। यूपी चुनाव प्रचार में योगी का जबरदस्त भाषण, कांग्रेस और गठबंधन पर बोला जमकर हमला, कांग्रेस की दोस्ती भ्रष्टाचारियों से भगा देते हैं इटली, बुआ पबुआ की रिश्तेदारी भी 23 मई को टूट जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के घोसी में विपक्षी कांग्रेस और गठबंधन दोनों पर जमकर निशाना साधा। योगी ने अपने भाषण में सबसे पहले कांग्रेस की हकीकत बयान की। योगी ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले को लेकर कांग्रेस की तगड़ी खिंचाई की। वे परेशान इस बात को लेकर के है, सबसे पहले परेशानी तो कांग्रेस को है, कांग्रेस को परेशानी इस बात को लेकर के है कि कांग्रेस के एक मामा है मिशेल क्रिश्चियन, ये देश के अंदर एक हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ है कांग्रेस की सरकार में, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, उसमें इन्होंने दलाली ली है और इस दृष्टि से वह इटली भाग गए थे क्योंकि कांग्रेस के लोगों का इटली से बहुत प्यार है। ये देश जब संकट में होता है, देश में कहीं आपदा आती है, देश में गरीब परेशान होता है, नौजवान जब परेशान रहता था तब राहुल गांधी को और राहुल खानदान को इटली की याद आ जाती थी, तब उन्हें देश की जनता की याद नहीं आती, तब उन्हें इटली की याद आती है। तो ऐसे ही मिशेल क्रिश्चियन भी इटली भाग गया था। मोदी जी कांग्रेस के इस मामा को इटली से पकड़ करके ला दिए हैं, जेल के अंदर बंद कर दिए हैं और लोगों को भय है जैसे एक तलाल बंद हुआ है, ऐसे ही तलाली खाने वाले न जाने कितने तलाल अभी बंद होने वाले हैं। योगी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर पिछले 5 सालों में जो लगाम लगाई गई है वो देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों से ही पूरा हो सका है, साथ ही हर वर्ग और हर तबके का विकास हुआ, क्योंकि 5 वर्ष का कार्यकाल मोदी जी ने देश के अंदर गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए लगाया, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया और इन 5 वर्षों में आतंकवाद को सदैव के लिए समाप्त करना, भ्रष्टाचार को सदैव के लिए समाप्त करके भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को जब्त करवा करके उन्हें भी जेल के अंदर ठूसने की कार्रवाई करना, ये सब भय से सब लोग एकजुट हो गए। योगी ने कहा कि विपक्षियों को डर है कि अगर मोदी दोबारा सत्ता में आ गए तो सभी भ्रष्टाचारियों को जेल की हवा खानी पड़ेगी, लेकिन मोदी के खिलाफ सब एक हो रहे हैं, चाहे वो बुआ भतीजा हो या कोई और, 23 मई को ये सभी रिश्तेदारियां टूट जाएंगी। उन्हें भय है और भय किस बात का कि कहीं मोदी जी आ गए, अभी तो मामा ही अंदर गए, कहीं भांजे भी अंदर न चले जाए। याद करिए ये मामा भांजे की जोड़ी महाभारत से देश को परेशान कर रहा है। महाभारत में था ना एक मामा शकुनी, याद है ना, शकुनी के बारे में जानते हैं, ये दलाल जितने ये शकुनी मामा हैं और इसीलिए दुर्योधन और दुशासन डरे हुए हैं, इस सब में भय है। आने वाली रिश्तेदारी है और ये रिश्तेदारी अराजकता पैदा करने वाली, दंगा को प्रश्रय देने वाली रिश्तेदारी है। और एक और बात कहते हैं, ये रिश्तेदारी केवल 23 मई तक है, 23 मई को जब पूरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार आएगी तो भाइयों बहनों आप देखना, आप एक बात को देख लेना,
गोवा जरूर बोल देगी कि बबुआ तो गुंडों का सरताज था, अपना वोट नहीं शिफ्ट कर पाया। जब हाथी अंडा देगा तो गोवा की प्रतिक्रिया होगी कि नहीं होगी, और जब साइकिल का पंचर कर देंगे तो बबुआ भी फिर चिल्लाएगा, और क्या चिल्लाएगा, कहेगा कि बुआ ने तो सारा वोट ही बेच दिया था। बोलेगा कि नहीं बोलेगा, आप सहमत है ना?